केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज 7 PM इंडिया में। देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ 7 PM इंडिया। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। धीरेंद्र कुलकर्णी पर स्याही पोतने के मामले में 6 शिवसेना कार्यकर्ता गिरफ्तार। कल खुर्शीद कसूरी की किताब लॉन्च के दौरान पोती गई थी स्याही। लालू नीतीश से खार खाए मुलायम का चाना कुमड़ा। मोदी प्रेम बोले, बिहार में बीजेपी के पक्ष में है माहौल। अब की बार बिहार में बीजेपी की सरकार। बिहार में पहले दौर में 57% हुआ मतदान, पिछली बार में से लगभग 6% ज्यादा। 10 जिलों में 49 सीटों पर हुई वोटिंग। ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत बंद। गाजियाबाद में NH-24 पर जमकर हुआ हंगामा। गुमशुदा युवक की हत्या होने की आशंका पर मचाया बवाल। पुलिस पर कार्रवाई ना करने का लगाया। राज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़। पीएम ने ट्वीट कर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। Oh.
प्रथम नवरात्रि माँ शैलपुत्री का दिन। माँ शैलपुत्री दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ को शैलपुत्री कहा जाता है। माँ वृषभ पर सवार होने के कारण वृषारूढ़ा भी कहलाती हैं। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। माँ के बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ को जीव जंतुओं का रक्षक माना गया है। शैलपुत्री की आराधना से आपदाओं से मुक्ति मिलती है। माँ का जपनीय मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की खास पेशकश में। जी हाँ, माँ का दरबार यहाँ सज चुका है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके साथ देख सकते हैं हमारे साथ कौन है मौजूद, देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य आचार्य संतोष संतोषी जी। क्या कहेंगे आप? हमारे साथ में देश की जानी मानी एंकर कंचन शर्मा जी। जी हाँ, माँ का सच्चा दरबार यहाँ सज चुका है, माँ साक्षात हमारे साथ हैं और आज आपको बहुत ही सारी खास जानकारियां भी मिलने वाली हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और नव दुर्गा की प्रथम जो देवी हैं, जो प्रथम स्वरूप हैं, माँ शैलपुत्री का दिन है। माँ शैलपुत्री जो कि हमारी रक्षा करती हैं, हमारे जीवन में खुशियां भरती हैं और दुखों को दूर कर देती हैं। तो कैसे माँ शैलपुत्री की आज आराधना करें ताकि माँ प्रसन्न हो जाएं और अपनी असीम कृपा आप पर बरसाएं, ये आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारियां देने वाले हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है और इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है बहुत ही शुभ है, बहुत ही लाभकारी है और ऊपर से मंगलवार, आज मंगलवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत हुई है, यानी कि बहुत ही मंगलहारी है इस बार की नवरात्रि। क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए मित्रों, इस बार जो शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है और ऐसे में माँ शैलपुत्री का प्रथम दिवस, आज के ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, क्या कुछ आपको देने में आज का गोचर सक्षम है। देखिए, इस समय जो चंद्रमा है वह खास तौर पर कन्या राशि में सूर्य, राहु और साथ ही साथ बुध के साथ उपस्थित है। मंगल बृहस्पति एक साथ सिंहस्थ हैं, जहां पर शुक्र की भी उपस्थिति उनके बल को हजारों गुना बढ़ा दी। शुक्र यहां पर बृहस्पति के साथ होने के कारण जब शुक्र यहां आया तो शक्ति के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। शक्ति और विवेक का स्वरूप ही माँ का स्वरूप है। और माँ शैलपुत्री के विषय में भी आपने सुना कि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसी के कारण इनको माँ शैलपुत्री कहा जाता है। हर माँ के साथ कुछ न कुछ खास विशेषता जुड़ी होती है। माँ शैलपुत्री आपको किन किन जगहों पर कामयाबी दे सकती हैं अपने उस खास विशेष गुण के साथ, यह हम आज आपको बताएंगे। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में किस प्रकार से जीत मिलेगी मंगलवार के दिन, आज के दिन खास तौर पर यह शुभारंभ हुआ नवरात्रि का, साथ ही साथ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। माँ के दर्शन भी होंगे, यह भी बताएंगे। और 24 घंटे में जो दिन ढलने के बाद का समय आएगा, अर्थात सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के मध्य में जो रात्रि वेला है, उसमें से हम 5 मिनट चुने हैं आपके किसी खास दुख को हरने के लिए, माँ के समक्ष अरदास लगाने के लिए, अर्जी देने के लिए। कौन सा वक्त रहेगा वो, रात 12 बजे का रहेगा, 1 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का, कौन सा समय है, यह एक रहस्य है और माँ रहस्यों के लिए जानी जाती है। तो पूरे 1 घंटे तक चिपक के बैठिएगा, कागज कलम हाथ में रहे, हर जानकारी यूनिक अंदाज। जी हाँ, तो नवरात्रि के का जो शुभारंभ है हो चुका है, तो चलिए माँ के दर्शन भी आपको करवाते हैं और सीधे ले चलते हैं दिल्ली के झंडे वालान मंदिर, जहाँ पर जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता आरती पांडे। यही भव्यता है जो कि दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाती है। और नवरात्र का पहला दिन और मेरे साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों की लंबी कतार,
जो कि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि आज पहला दिन शैलपुत्री का माँ का है। और श्रृंगार की अगर हम बात करें तो इस तरह की मान्यता है कि लाल रंग आज के दिन बेहद माँ को प्रिय होता है। और लाल रंग की ही पोशाक आप अंदर देख सकते हैं कि पूरी जो सजावट है, पूरी जो ड्रेस है, ड्रेस के साथ ही जो श्रृंगार का बाकी सामान जो इस्तेमाल किया गया है उसमें लाल रंग का ही अधिक इस्तेमाल किया गया है। आरती, बाकी बहुत ही भव्य नजारा हम देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है माँ, और बहुत ही प्यारा हार श्रृंगार उनका किया गया है। लेकिन अगर आपसे जानना चाहें, क्योंकि आज नवरात्रि की शुभारंभ हुआ है और आज पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की आराधना हो रही है, भक्तों के उत्साह की अगर हम बात करें तो किस तरह का उत्साह, उमंग आपको आज के दिन, प्रथम दिन आपको देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मंदिर का अगर मैं नजारा यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये मंदिर के अंदर जो भक्तों की भीड़ है, इसी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह नवरात्र के पहले दिन ही भक्तों के बीच में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवरात्रों की खास बात यह है कि यहाँ पर जो माँ के दरबार है, वैसे अगर हम सामान्य दिनों की बात करें तो वैसे सुबह 6 बजे माँ के दरबार भक्तों के लिए खुलते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में 4 बजे ही भक्तों की जो भीड़ है यहाँ इसलिए उमड़ने शुरू हो जाती है क्योंकि 4 बजे पहले यहाँ पर मंगल आरती होती है। और नवरात्र के दिनों में खास बात यह है कि केवल 2 बार आरती होती है, सुबह 4 बजे और शाम को 7 बजे। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि माँ के जो इन शुभ दिनों की शुरुआत है माँ के दर्शन के साथ ही करना चाहते हैं, मंगल आरती में शरीक होना चाहते हैं। और एक अनुमान अगर हम बताएं तो रोजाना अगर हम नवरात्रों की बात करें, करीब 80 से 90 हजार भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये जो संख्या है, जो अंतिम दिन होते हैं नवरात्र के यानी कि अष्टमी और नवमी के दिन, ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आरती, बिल्कुल बहुत सही बात कही है आपने कि भक्तों की जो तादाद है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि मंदिरों में तो हर दिन भक्त आते हैं, लेकिन जब नवरात्रि की बात की जाए और जो शारदीय नवरात्रि इस बार बहुत ही विशेष है, अगर हम बात करें झंडे वालान मंदिर की, कोई ऐसी खास बात जो आज आप बताना चाहें कि आज आपको अलग दिखने को मिला वहाँ? जी बिल्कुल, जो एक खास बात हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं वो यहाँ की डेकोरेशन के बारे में है। अगर हम कहें पिछले कई सालों से लगातार यहाँ से हम लोग लाइव कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का खूबसूरत इस बार जो सजावट है ना सिर्फ हमको काफी आकर्षक लगा बल्कि जो भक्त जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं उनको भी काफी खूबसूरत ये डेकोरेशन लगा है। क्योंकि इस तरह की जो डेकोरेशन की अगर हम बात करें तो इस तरह की डेकोरेशन पहले हमने कम से कम नहीं देखी। हाँ, फूलों का श्रृंगार जरूर होता है। और अगर हम माँ का जो दरबार अगर आपको दिखा सके, अगर वहाँ पर हम आपको दिखाएं तो वहाँ पर गुलाबी रंग के जो फूलों का इस्तेमाल करते हो, बाहर जो सजावट की गई है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरह के खूबसूरत नज़ारे के साथ अगर दर्शन करने को मिले तो बात ही क्या। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यही जो माँ की जो डेकोरेशन की अगर हम बात करें तो करीब करीब 3 दिनों से लगातार यहाँ पर जो दिल्ली के ही जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं माँ की सजावट को करने में। और अगर हम खास बात ये बताएं तो खास बात यह है कि नवरात्र के दिनों में मात्र 1 घंटे के लिए साफ सफाई के लिए जो माँ का दरबार है ये बंद किया जाता है। और वैसे पूरे दिन भक्त जिस समय भक्त यहाँ चाहें दर्शन कर सकते हैं। सबसे खास बात दिल्ली के झंडेवालन मंदिर की यही है। जी आरती, वाकई बहुत सही बात बताई आपने। लेकिन ये बात करें हम झंडेवालन मंदिर की तो ये प्राचीन मंदिर है और साथ ही साथ हमने सुना है कि यहाँ पर कोई ऐसी मूर्ति है जो प्रकट हुई थी, एक रहस्यमयी एक जो जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे भक्त जो दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो भी ये जान पाए। जी बिल्कुल, आज अगर हम अनछुए पहलुओं की बात करें, दिल्ली में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक हमारे भक्तों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम अपने लाइव इंडिया के दर्शकों को यही बताएंगे कि आज एक ऐसा अनछुआ पहलू बताएंगे जिसके बारे में जानकारी ना हो। यहाँ पे अगर हम झंडे वाले मंदिर की बात करें तो मेन दरबार तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और जो बहुत से भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही इस तरह की वो मानते हैं कि उनके दर्शन पूरे हो गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ पर जो मेन जो मूर्ति है जिसके दर्शन के बिना यहाँ की जो दर्शन है अगर आप यहाँ पहुँचते हैं वो अधूरे रहेंगे, वो इसके भूगर्भ में है। और जिसके बारे में बहुत से जो भक्त हैं उनको जानकारी नहीं है कि वो भूगर्भ में किस तरह से जो मूर्ति है वो प्रकट हुई थी, क्योंकि मान्यता है कि करीब 150 साल पहले यहाँ पर जो एक भक्त आया करते थे और उनको माँ ने दर्शन दिए और कहा कि इस पूरे स्थान की जहाँ पर इस समय ये मंदिर मौजूद है
यहाँ की खुदाई करवाएं और यहाँ पर खुदाई करने के बाद ही माँ की एक मूर्ति निकली और वो जो मूर्ति है वो मंदिर के भूगर्भ में है और इस तरह की मान्यता है कि अगर आप इस मंदिर में आते हैं और उस मंदिर के दर्शन बाकी आती है। बिल्कुल सही जानकारी की जिस प्रकार आपने बताया कि अगर मूर्ति के दर्शन ना किए जाएं तो कहा जाता है कि पूजा अर्चना जो है वो अधूरी रह जाती है और हम चाहेंगे कि माँ का इतना भव्य जो है हार श्रृंगार किया गया है। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप उन्हें माँ के जो दर्शन हैं वो करवाएं और भक्त जो है अपनी आराधना माँ के समक्ष करें। जी बिल्कुल, हम एक बार फिर सीधे दर्शन कराना चाहेंगे यहाँ पर जो हमारे लाइव वीडियो के जो दर्शक हैं सीधे जो नहीं पहुंच पाए मंदिर लेकिन वो माता के दर्शन करना चाहते हैं तो मुख्य दरबार से हम सीधे माँ के दर्शन यहाँ पर करवाएंगे और एक बार फिर मैं इस खूबसूरत जो पूरा श्रृंगार माँ का किया गया बस आगे हम चाहेंगे यहीं पर कैमरा जो है स्टॉप कर दिया जाए क्योंकि माँ के दर्शन हम सब कर पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि माँ के दर्शन हम करें और साथ ही साथ जितने भी दर्शक हैं वो माँ के समक्ष अपनी पूजा अर्चना कर पाए। यहाँ तो माँ का दरबार सजा हुआ है, आप कहीं मत जाइए। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी होता है और ब्रेक पर जाने से पहले भी एक खास जानकारी आपको देना चाहेंगे। जानकारियां तो इतनी सारी हैं और वो आपसे हम लेना चाहेंगे लेकिन ब्रेक के उस पार, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। महाविद्याओं के बारे में बात होगी और आज हम बात करने वाले हैं आचार्य जी माँ काली के बारे में। कहा जाता है माँ काली जो है हमारे जीवन में तंत्र बाधाओं को दूर कर देती है। 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रमुख देवी हैं ये और इनकी कृपा अगर मिल जाए तो तमाम तरह की विसंगतियां अपने आप जीवन से दूर होंगी। बिल्कुल, और उनकी कृपा आपको जरूर मिलेगी लेकिन कैसे आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते। ओम सर्व मंगल मंगल्ये। भाभी इतने नाले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबू जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी। दीवाल पीएच प्लस। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई। जी हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते। पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। Oh.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माँ का दरबार सजा हुआ है। माँ शैलपुत्री यानी कि नवदुर्गा का जो प्रथम स्वरूप है उनका दिन है आज। और माँ को कैसे रिझाएं आप, क्योंकि माँ जो है अपने संतान को कष्ट में देख ही नहीं सकती। बिल्कुल जानकारी लगातार देंगे आपको, लेकिन चलिए उससे पहले आप नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का खास रक्षा कवच। आगे 24 घंटे में से निकाला हुआ 5 मिनट का समय आपके जीवन को बदल सकता है। कैसे, इंतजार करिएगा। रक्षा कवच पहले नोट कर लें आप। 2 चुटकी नमक सर से वार कर फेंकना है आज के दिन यात्रा से पूर्व, उसके बाद यात्रा का शुभारंभ करिए। पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे, माँ की कृपा आप पर रहेगी। कल के दिन अगर कहीं आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो कलावा माँ के हाथों से अपने दाहिने हाथ में बंधवा लीजिएगा, एक आवृत्ति बस एक बार, और उसके बाद आप घर से प्रस्थान करिएगा। पूरी तरह से सुरक्षा आपके साथ जुड़ी रहेगी। एक मंत्र भी आगे हम बताने वाले हैं, उस मंत्र का प्रयोग बताएंगे। अगर आप अपने आप को असहाय पाते हैं तो क्या उस मंत्र का प्रयोग किया है? जी हाँ, और सफलता दिलवाने और किस्मत को एक जो बंद ताले उन्हें खोलने आ चुकी है सक्सेस की भी। लीजिए आज के दिन की और कल के दिन की सक्सेस की। चलिए लगाइए इस चाबी को अपने भाग्य के दरवाजे के ऊपर और भाग्य के दरवाजे को खोलिए। आज के दिन उल्टे पांव पर 7 बूंद गंगा जल गिराते हुए फिर आप किसी भी सफलता के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, इंटरव्यू या फिर किसी भी तरह की अप्लाई करने नौकरी में। कल के दिन एक आम का पत्ता लेना, उस पर सरसों का तेल छिड़क करके उसको अपने पास रख लीजिएगा, आम के पत्ते को। फिर आप घर से निकलिएगा, हर तरह के एग्जाम में परीक्षा में आप सफलता जरूर पाएंगे। जी हाँ, और चलिए अब हम आपको खास जानकारी देते हैं। जैसे कि आज के दिन यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन जो है कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना भी कहा जाता है, इसको जो है इसका आयोजन होता है। तो किस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करें, आइए अब आपको बताते हैं। नवम भाव में बृहस्पति और मंगल और शुक्र तीन ग्रहों की उपस्थिति सिर्फ धनु लग्न में बन रही है। तो धनु लग्न में अगर आज के दिन आप घट स्थापना करते हैं तो अपने आप में ही यूनिक रहेगा, अद्भुत रहेगा। हर प्रदेश का, हर जगह का हम लगभग कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली में 11:38 से 12:38 तक ये रहेगा समय। सबसे शुभ मुहूर्त है धनु लग्न, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नवम भाव में बृहस्पति मंगल शुक्र की उपस्थिति रहेगी, आंख बंद करके कंसीडर करिएगा। मुंबई में 11:50 से लेकर के 12:29 तक, कलकत्ता में रहेगा 11:31 से 12:29 तक, चेन्नई में है 11:40 से 12:38 तक, और रांची में है 11:41 से 12:38 तक। पटना शहर की बात करें तो 11:42 से लेकर 12:38 तक। भोपाल चलते हैं मध्य प्रदेश, 11:50 से 12:38। लखनऊ में 11:53 से 12:38 तक। अमृतसर 11:55 से 12:38 तक। सोलन हिमाचल प्रदेश 11:54 से 12:38 तक। चंडीगढ़ में 11:58 से 12:38 तक। देहरादून में 11:45 से 12:38। रायपुर में 11:56 से 12:38। बेंगलुरु में 11:59 से 12:38। इसके बाद जयपुर में 11:56 से 12:38। जम्मू में 11:52 से 12:38। शिमला में 11:54 से 12:38। पुणे महाराष्ट्र 11:57 से 12:38 और नागपुर में 11:59 से 12:38। 20 शहरों का हमने बताया है। यह जानकारी लगातार कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा, और अगर आप अपने शहर का नहीं देख पाए हैं, अन्य शहरों के लोग 12:38 तक 11:50 के बाद 12:12 से 12:38 के मध्य में घट स्थापना कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस अभिजीत मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करें और बार बार आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि शैलपुत्री माँ को प्रिय है एक विशेष मंत्र, और उस मंत्र की महिमा क्या है आइए आपको बताते हैं मंत्र ज्योति में, और इस मंत्र के जाप से आपको विशेष लाभ भी होने वाला है। बाकी जो पूजन अर्चन बंधन उपासना आपको करना हो सब करते रहिएगा। अब एक कुछ हट करके ले लीजिए हमसे,
कि माँ शैल पुत्री के समक्ष जब आप उस श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करेंगे तो उस दीपक के साथ एक ऐसा मंत्र जपिए और एक ऐसा प्रयोग करिए जो हट करके कुछ देता चला जाए। क्या है मंत्र? मंत्र का जाप करें आप, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र वही होना चाहिए जो जपनीय हो, अर्थात जपने में आसानी हो और बहुत इत्मीनान के साथ आप मंत्र का जाप कर सकें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति ही स्वरूप और स्वरूप ही शक्ति। अब हम बताते हैं इस मंत्र का प्रयोग। अगर जीवन में आप अपने आप को एकदम से असहाय पाते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई आपका अपना सगा नहीं दिखता है जिससे आप अपने हृदय की बात कर सकें, तो माँ के समक्ष पहुंचे आप। एक बार अपने इंडेक्स फिंगर को उस दीपक से स्पर्श कर लीजिएगा, हल्का सा जलाना लीजिएगा, हल्का सा। इसके बाद इस अंगुली को अपने नाभि से स्पर्श करें और इस मंत्र का 9 बार जाप करें। जाप करने के बाद नेत्रों को बंद करें और माँ की शक्ति को अपने हृदय के अंदर आभासित करें। अनुभव में आएगा आपको कि आप एक अलग तरह की ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं। जी, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC IDT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक, द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक। दीवाल BH प्लस हेयर कलर लो। ये कहाँ गया? रिकी दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार के गोपालगंज जिले में। हम आपको दिखाएंगे गोपालगंज के विधायक के दावे, वादे और उसकी हकीकत क्या है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट।